हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं मोटर में स्टार और डेल्टा कनेक्शन कैसे किया जाता है और कैसे पहचाने कि ये मोटर स्टार है कि डेल्टा है, ठीक है ना। बड़े बड़े फैक्ट्रियों में आप देखे होंगे स्टार और डेल्टा का थ्री फेज का मोटर आता है, तो ये भी जानने वाले हैं अगर आपका मोटर थ्री फेज कनेक्शन दे दिए तो अगर उल्टा रोटेट हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो कि नए इलेक्ट्रीशियन को बिल्कुल मालूम नहीं होता है और इंटरव्यू में बार बार फेल हो जाते हैं। तो हम कैसे कनेक्शन करेंगे, सीधा चलेगा, सीधा रोटेट होगा, तो ये इंटरव्यू में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आप मायूस हो जाते हैं। तो मायूस होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इस वीडियो आप एंड तक जरूर देखें इस वीडियो को, ठीक है। तो आपको बताते चलो, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में मोटर जो है स्टार और डेल्टा में आता है, ठीक है ना। तो यहां पे कैसे पहचानेंगे कि हम स्टार मोटर है कि डेल्टा मोटर है, ठीक है। दोस्तों आपको बता दूं, उस मोटर पे नंबर प्लेट पे आप देखेंगे ऐसे सिंबल बना रहेगा ना, RY लिखा रहेगा, ऐसे बना रहेगा स्टार टाइप का, तो आप समझ जाइएगा कि स्टार कनेक्शन है, ठीक है ना, ये स्टार मोटर है, ठीक है। अगर डेल्टा के लिए पहचानना है तो आपको बता दूं, डेल्टा में ऐसे सैंपल बना रहता है, फेस टू फेस कनेक्ट रहता है इसमें और ऐसे सैंपल बना रहता है, ठीक है दोस्त। दोस्तों आपको बता दूं, ये वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिकल है और बिल्कुल आपको आसान तरीका से इसमें बताए हैं। आप वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये बार बार इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाता है तो आपको नहीं आता है, और बड़े बड़े मोटर जो है आपके सामने रखा जाता है, कभी कभी होता है कि थ्री फेस का मोटर है भाई कनेक्शन करो तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप उसका ऊपर का कवर खोलते ही पहचान जाएंगे कि ये स्टार है कि डेल्टा है, इसको कैसे कनेक्शन करना है, इस वीडियो में हमने बताने वाले हैं, ठीक है ना। दोस्तों इससे पहले आपको बता दूं, मोटर के जो कवर है इसके ऊपर खोलेंगे ना तो यहाँ पे लिखा रहेगा, आप देख रहे हैं W1, V1 और E1, ठीक है, एक तरफ लिखा रहेगा, दूसरे तरफ लिखा रहेगा V2, U2, W2, ठीक है दोस्त। यहाँ तक तो समझ गए, ऐसा अगर लिखा रहे तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये बिल्कुल वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। आइए हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, स्टार और डेल्टा में कैसे किया जाता है, कनेक्शन कैसे किया जाता है, हम कैसे इसके अंदर जो वायरिंग, तो हम लोग जान लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है। दोस्तों आपको बता दूं, स्टार और डेल्टा ये बिल्कुल आसान तरीका ऐसे होता है, इसके अंदर हम लोग जान लेते हैं। इसमें पूरा खेल है इस पत्ती का, ठीक है ना। ये जो पत्ती देख रहे हैं ना, ये टर्मिनल में कैसे कनेक्ट होगा, किस तरह कनेक्ट होगा तो आपको स्टार दिखेगा, किस तरह कनेक्ट होगा तो डेल्टा दिखेगा। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ना, W2, U2 और V2 में ऐसे पत्ती कनेक्ट है ना, तो इसको स्टार कनेक्शन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने थ्री फेस का RYB हमने दे दिया, ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे हैं जो, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो आइए हम लोग जान लें कैसे होता है इसके अंदर, ठीक है। वायरिंग ऐसे रहता है इसका स्टार का, हमने RYB कनेक्ट किया, अपने सिंपल तरीका से आपने RYB टर्मिनल में कनेक्ट किया, ठीक है ना। और दूसरे साइड में क्या होता है, आपस में लूप रहता है, ठीक है ना, स्टार कनेक्शन में ऐसे रहता है, ये शॉर्ट कर दिया जाता है दूसरे साइड, एक सिरा जो RYB हम देते हैं, दूसरे सिरा ना शॉर्ट किया हुआ था, जो कि इस इमेज में आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक एक फेस वाइंडिंग को एक एक हम फेस देते हैं, ठीक है ना, एक एक वाइंडिंग में एक एक फेस देते हैं, जो कि यहाँ पे आप बिल्कुल आसान तरीका से आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे शॉर्ट कर दिया गया है, ठीक है। ये तो आपको क्लियर मालूम पड़ गया क्योंकि यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये दूसरी तरफ जो ब्लू कलर देख रहे हैं आप, ये शॉर्ट कर दिया, इसको फेस वोल्टेज भी कहते हैं दोस्त, ठीक है ना, ये स्टार डेल्टा में फेस वोल्टेज भी कहते हैं। लेकिन आपको बता दूँ, डेल्टा ऐसा नहीं है, डेल्टा अलग तरीका से, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, ओके दोस्त। यहाँ पे देख रहे हैं, ये W2, U2 और V2 में है, यहाँ पे ऐसे कनेक्शन है, लूप टू लूप है, ठीक है ना, तीनों में लूप है ये पत्ती, ठीक है, जो पत्ती है तीनों में लूप है, तो इसको हम डेल्टा कनेक्शन कहेंगे। इसमें भी हमने RYB कनेक्ट कर दिए, ठीक है ना, आप जो देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल तरीका से हमने ऐसे RYB कनेक्ट कर देना है, ठीक है दोस्त। अब हम लोग जानेंगे मोटर के अंदर वाइंडिंग जो होता है वो कैसे कनेक्ट होता है, फेस आपस में लूप होता है, ठीक है ना। ये स्टार डेल्टा के बारे में हम लोग जानेंगे, अंदर में कैसे वाइंडिंग जो होता है अंदर में लूपिंग होता है, तो आइए हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। डेल्टा कनेक्शन क्या है, इसका फेस टू फेस कनेक्ट रहता है ना, तो हेवी मोटर है रहता है, ठीक है ना। तो आइए इसके अंदर हम लोग जान लेते हैं ये वाइंडिंग कैसे होता है, ठीक है ना। यहाँ पे तीन हमने कॉइल ले लिया वाइंडिंग का, जो अंदर के मोटर है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने तीन कनेक्टर ले लिया और यहाँ पे देख रहे हैं जी R, Y और B, जैसे कि मोटर के ऊपर जो रहता है कनेक्शन बॉक्स, उसमें हमने कनेक्ट कर दिया। तो इसमें अंदर जो है इसमें कनेक्ट रहता है R2Y, ठीक है ना, मोटर में R2Y कनेक्ट रहता है, एक तरफ से दोनों तरफ से फेस दिया जाता है, ठीक है, एक तरफ से रेड और एक तरफ से देख रहे हैं आप येलो लगा है, और येलो में एक तरफ से येलो लगा है, दूसरे तरफ से ब्लू लगा है, वाइट टू ब्लू, ठीक है ना, कनेक्ट हुआ है। और यहाँ पर देख रहे हैं
ब्लूटूथ रेड कनेक्ट हुआ है, ठीक है ना। ऐसे आपका वाई स्टार और डेल्टा में, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं ब्लूटूथ रेड और ब्लूटूथ येलो और येलो टू रेड कनेक्ट है, अगर ऐसा कनेक्शन हो तो आप समझ जाइए कि ये डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है दोस्त। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आइए हम लोग जान लेते हैं, अगर मोटर आपको उल्टा घूमे, आप कनेक्शन थ्री फेज दे दिए, तो आप सिंपल तरीका है, आप फेस को आपस में चेंज कर दे, ठीक है ना, रेड को ब्लू कर दे, ब्लू को रेड कर दे, ठीक है, तो आपका मोटर सीधा चलने लगेगा। अगर उससे भी ना ही हो रहा है तो येलो को ब्लू में कर दें और ब्लू को येलो में कर लें, ठीक है। ओके दोस्त, यहाँ तक तो आप समझ गए। दोस्तों आपको बता दूँ, मोटर ये थ्री फेस में मोटर में सबसे ज़्यादा हेवी पावर लेता है डेल्टा, ठीक है ना, क्योंकि स्टार जो कनेक्शन है वो सिंगल फेस से, जैसे कि फेस टू फेस थ्री फेस देते हैं तो कनेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे फेस टू फेस फेस आपस में लूप रहता है, तो इसके लिए लाइन वोल्टेज इसको बोलते हैं और उसको हम फेस वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है दोस्त। तो आपको बताते चलूँ, अगर आपको MCCB, MPCB, RCCB, RCBO में डिफरेंस क्या है, ये ब्रेकर कहाँ पे प्रॉपर तरीक़ा से लगता है आप नहीं जानते हैं, तो ये वीडियो मैं बनाया हूँ, ये वीडियो आइकन बटन में दे दूँगा, नहीं तो एंड में दे दूँगा, आप जरूर जाकर देखें। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लें, बेल आइकन बटन दबा के ऑल पे क्लिक करके इलेक्ट्रिकल से वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप मेरे चैनल